देखिए, इनके जो मुतालबात हैं ये अभी के नहीं हैं, ये पिछले दो सालों से ये मुतालबात हैं। हम इनके साथ हैं, इंजीनियर जमरक हमारे साथ थे उन दिनों में, आज भी हैं, वो अभी सी एम से भी इन्होंने मीटिंग करवाई थी। इन प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। सर्विस स्ट्रक्चर का इनका मसला है। अभी जैसे ज़ेरे भाई ने कहा कि सर्विस स्ट्रक्चर के बगैर एक बंदा कैसे जॉब करेगा, एक पूरे डिपार्टमेंट है जिसका कोई सर्विस स्ट्रक्चर है ही नहीं सिरे से। ये बेचारे 17 में भर्ती होते हैं, बमुश्किल 18 या 19 में आके रिटायर हो जाते हैं। वो एक एक एक्सीएन की पोस्ट पे, एसडीओ की पोस्ट पे इनको 15-15, 20-20 साल लगते हैं, आखिर उनकी रिटायरमेंट करीब आ जाते हैं। बाज़ लोग तो ये कि उसमें एसडीओ की पोस्ट पे ही रिटायर हो जाते हैं। अब कोई सर्विस स्ट्रक्चर इनका होना चाहिए, कोई प्रमोशंस इनकी होनी चाहिए। फिर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, अब ब्यूरोक्रेसी ने बैठ के रूल अपने मुफादात को सेव करके रूल जिस तरह बना दिए कि अब कोई भी इंजीनियर चाहे वो 20 में भी पहुंच जाए, 21 में भी पहुंच जाए, वो सेक्रेटरी नहीं बन सकता। हालांकि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, जैसे आपका CNW हो गया, या अब बाकी सूबों में जो है वो लोकल गवर्नमेंट को भी टेक्निकल डिपार्टमेंट उन्होंने करार दिया है। अब इनके हेड जो हैं वो टेक्निकल आदमी होना चाहिए ताकि वो डिपार्टमेंट को समझ सके, उसकी जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको समझ सके, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में उसको आवनो हो। अब सारे नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या पता कि टेक्निकल काम किस तरह होता है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरह करना है। अब तुर्रा इम्तियाज़ ये कि हमने जो जितने प्रोजेक्ट थे हमारे, उन सब के PDM ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को बना दिया, जिनको अभी तक ये पता नहीं कि RCC क्या है, जिनको ये पता नहीं है कि रीइन्फोर्समेंट क्या है, लोड किस तरह उन्होंने वो निकालने हैं, बाकी चीज़ें किस तरह करनी है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। अब एक मामूली सा ड्राफ्ट्समैन भी अगर उनके सामने कोई भी कैलकुलेशन रख दे, वो मजबूर है उसको मानने के लिए। अब इसीलिए जो फैसले वो लोग कर रहे हैं बहसीत PD के, वो फैसले सारे उनके अपने गले पड़ रहे हैं। अब इस क्वेटा पैकेज के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, जो PD साहब बैठे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें कलम इनको अगर चीज़ों को पॉइंट आउट करना शुरू कर दें तो साहब खुद फंसेंगे उसमें। अब जो यहाँ पे रोडें बनाई गई हैं, जो आपका सेवरेज का सिस्टम बनाया गया है, वो पहली बारिश का कतरा पड़ने दे, ये सारा का सारा पोल खुल जाएगा कि PD साहब ने किया क्या है उसमें। करोड़ों रुपए जो है बर्बाद कर दिए हमने, अब वो तमाम चीज़ें दोबारा मजबूरन हमें तोड़नी पड़ेंगी। मसला कुछ और, मसला चीज़ों को समझने का है, मसला चीज़ों को देखने का है, और मसला बेसी का है। अब मैंने कहा कि टीचर्स के साथ 50 मुज़ाकरात, ये चीज़ें जो इन्होंने कल रोड पे बैठ के तय की हैं, ये टेबल पे बैठ के हो सकती थी, और टेबल पे बैठ के इज्जत से हो रही थी, और तमाम चीज़ें इन प्रिंसिपल एग्री भी थे उनसे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। मजबूर किया लोगों को सड़कों पे आने के लिए, मेल फीमेल टीचर सारे सड़कों पे आके बैठ गए, और उन्होंने बजोर अपना जो है हक उनसे छीन लिया। अब यहाँ पे इंजीनियर्स की ये तमाम चीज़ें असम्बली फ्लोर से डिस्कस हुई हैं, ये कैबिनेट से में डिस्कस होकर अप्रूव हुई हैं। अब सिर्फ इन पर नोटिफिकेशन करना था, जो ब्यूरोक्रेसी रोड़े अटका रही है वो नोटिफिकेशन ये लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये कैंप वजूद में आया है, और आज यहाँ पे जो है ये पढ़े लिखे लोग इंजीनियर्स 18-19 ग्रेड के लोग यहाँ पे जो है धरने पे बैठे हुए हैं। अब ये मजबूर होंगे, कल इनकी बातें भी मान लेंगे। तो जो चीज़ें आपने ऑलरेडी मान ली हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी आपने कैबिनेट वगैरह से सबसे अप्रूव की हैं, अब उनके ऊपर आप ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? उनके ऊपर सिंपल नोटिफिकेशन कर दें, और इनको मुतमईन करके अपने घर रवाना कर दें, अपनी ड्यूटीज़ पर इनको रवाना कर दें। जैसा कि आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आई है, एक नाइल हुकूमत है, वफाक में भी और सूबे में भी मसाइल जो है ना वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, नाउमीदी की सूरत हाल है। अब आप देख रहे हैं कि इंजीनियर्स जो एक प्रोडक्टिव जॉब है, जो एक महजब लोग होते हैं, आज इस कैंप में ये इंजीनियर्स बैठे हैं, यहाँ पर SDO से लेकर के चीफ इंजीनियर तक हड़ताल पे है। उन्होंने इंजीनियर ग्रैंड अलायंस बनाई है, उनके बड़े सीधे सादे मुतालबात है, और मैंने ख़ुद फ्लोर पर उठाया, रेजोल्यूशन पास कराया, और फिर उस पर कमेटी बनी। कमेटी ने इनके मुतालबात को जायज़ और बरहक करा दिया था, लेकिन अब हुकूमत जो है ना वो हीले बहानों से काम ले रही है।
और अभी आप देखें कि ये इंजीनियर्स बेचारे, इनका अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, जिस सर्विस का, जिस कैडर का सर्विस स्ट्रक्चर ही ना हो, ये बेचारे एक एक ग्रेड में ना 20-20 साल गुजारते हैं। दूसरे वाले जो है ना, वो जा कर के 21 में पहुंच जाते, वो 17-18 ही में रह जाते हैं। इसके अलावा अभी हज़ारों बेरोज़गार इंजीनियर इस वक्त है। आपने जो है ना यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ बनाई है, खुजदार में बनाई है, लसबेला में बनाई, क्विटा में बनाई, उनके इंजीनियर्स हैं, लेकिन हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने इन हज़ारों इंजीनियर्स को कहाँ कपाना है। अब ये फारिग तो हो रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में करें, मुख्तलिफ इनकी वो होती है फैकल्टीज़ में करते हैं, लेकिन अभी इनका जो कहाँ इनको जॉब मिलेगा। और हुकूमत ने ये भी नहीं बनाया कि कोई रूल्स पॉलिसी बनाए कि जितने भी इदारे प्राइवेट इदारे उनको पाबंद करे, उनको पाबंद करे कि वो इंजीनियर्स ले ले। और अभी बहुत सारी पोस्टें यहाँ खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर वैकेंट पड़ी हुई है, सैकड़ों पोस्टें कम अज़ कम इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वैकेंट पड़ी है इंजीनियर्स की। कम अज़ कम हुकूमत फौरन से पेशतर पब्लिक सर्विस कमीशन को वो तमाम पोस्टें जो है ना उनको पाबंद करे, पब्लिक सर्विस कमीशन को कि वो अनाउंस करे 1-2-3 माह में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर दे, ताकि कम अज़ कम कुछ इंजीनियर्स तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पे उनको नौकरियां तो मिल जाए। इसके अलावा इनके प्रमोशंस का वो करे, ताकि अगर वो प्रमोट होते तो नीचे पोस्टें खाली होती है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ कि मैं असम्बली के मेंबर के तौर पर और पश्तूनख्वा मिलन पार्टी के मेंबर के तौर पर मैं इनके साथ इजारे यकजहती करूं, और हम इनके साथ हैं। इंशाल्लाह 25 तारीख को असम्बली का इजलास है, उस इजलास में भी उठाएंगे इनके मसाइल को। जिस तरह रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो रेजोल्यूशन को बुनियाद बना करके दोबारा इस पर बोलेंगे।